तो जी ट्रेनिंग को ए, स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं यूट्यूब का लिंक दे दूँ ग्रुपों के अंदर ठीक है तो आज की ट्रेनिंग में आपको क्या चीज गाइड की जाएगी आपको सर ये चीज गाइड की जाएगी कि आप फोर्थ स्टेज के अंदर लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं और आपको लाखों रुपए का कैसे प्रॉफिट होता है लोग यहाँ से लाखों कैसे कमा रहे हैं मेन वजह क्या है हमने हमेशा एक ही चीज को जानना होता है मेन वजह क्या है और इनशाला आज आपके सामने सारा खुलासा कर दूंगा लोग यहाँ से क्यों इतने पैसे कमा रहे हैं मेन रीजन क्या है एक मिनट दीजिएगा मैंने आपके ग्रुपों के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया है यूट्यूब का जो लोग रह जाए जिनको अभी तक नहीं पता तो आप इनको बाद में भी ये मीटिंग का लिंक दे सकते हैं मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके बाद हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई हमारा को होस्ट है तो वो अपना हैंड रेज करे और बताए कि मेरी आवाज क्लियर है जी सर, टीम है हसन। जी सर हसन ऊपर वाले को कर देते हैं जी सर बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है मैंने आपको अनम्यूट का कमान भेजा है जी सर मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है जी एक मिनट ठहरिएगा अपना माइक ना म्यूट कीजिएगा मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूं और बताइएगा कि स्क्रीन भी क्लियर है जी सर स्क्रीन पे ओके स्क्रीन पे आपको क्लियर शो हो रही है तो खुद पहली दफा देखा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों कमा रहा हूँ आपके सामने एक चीज का खुलासा करूंगा जो की कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी मेरी बात तो वो कहते हैं अक्सर मुझे शहजाद आप हमसे पैसे ले लें लेकिन ऐसी वीडियो ना बनाया करें लेकिन हम ऐसी वीडियो बनाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते लोग अपना टाइम वेस्ट करें हम नहीं चाहते कि लोग अपना टाइम गलत जगह पे वेस्ट करें लोग अपने टाइम को गलत कंपनियों में लगाएं और नेटवर्क मार्केटिंग से उनका दिल ना भर जाए इसीलिए सर आप एक चीज के ऊपर गौर कीजिएगा जो फोर सेज प्लेटफॉर्म है सर इसमें पहली मजे की चीज जो है ये इसका कोई ऑनर नहीं है इसका कोई एडमिन नहीं है इसे जिस बंदे ने क्रिएट किया है वो भी इसमें हमारी तरह ही काम कर रहा है सर वो भी उसने भी अपना नेटवर्क बनाया आज वो अपने नेटवर्क की बदौलत लाखों कमा रहा है हम भी उसके नेटवर्क में आते हैं तो सर ए, आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं जिसका मालिक इसमें काम कर रहा है सर आपने ए, आप कुछ लोग यहाँ पे जॉब करते होंगे कुछ लोग और कंपनियों में काम करते होंगे आपने नहीं देखा होगा कि कंपनी का ऑनर वेबसाइट का ऑनर खुद, का खुद काम कर रहा है ए, खुद ए, या आप ऑफिस जाते हैं तो जो उस कंपनी का मालिक है वो खुद वहां पे काम कर रहा है नहीं देखा होगा सर लेकिन आप फोर्थ सेज के अंदर पहली दफा देखेंगे कि जो फोर्थ सेज का ऑनर है वो अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है अभी भी यहाँ पे नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है और वो एक एक दिन का करोड़ों रुपया कमा रहा है आज मैं उसकी आईडी भी आपको लाइव डाल के दिखाऊंगा तो सर इसमें नो ऑनर नो एडमिन नो एम नो सी सर क्यों नहीं है सर मेन वजह मैं आपको बताता हूँ सर मिस्टर लाडो ने इसे क्रिएट किया क्रिएट करने के पीछे मेन वजह क्या थी कि काफी पाकिस्तान के अंदर 99 परसेंट कंपनियां ऐसी हैं दो साल चली बंद हो गई छह महीने चली बंद हो गई उसके बाद होता क्या है कि हम रोने बैठ जाते हैं कि भाई कंपनी तो भाग गई अब क्या करें यार अब तो कोई मैं कहता हूँ मजदूरी वगैरह कर लें या कोई जॉब वगैरह कर ले सर जॉब से आपका फ्यूचर सेट नहीं हो सकता मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कभी बंद नहीं हो सकता ये भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ इसकी जो वारंटी है हमारी जिंदगी से ज्यादा है सर मिस्टर लाडो ने इसे क्रिएट क्यों किया और ये बंद क्यों नहीं हो सकता मेन रीजन सर ये जो सिस्टम है ये ब्लॉक चेन के ऊपर कोडिंग किया गया हुआ सिस्टम है जब भी कोई चीज ब्लॉक चेन के ऊपर कोडिंग हो जाती है उसे बंद करना हैक करना किसी के भी बस की बात नहीं होती जब भी कोई चीज ब्लॉक चेन के ऊपर कोडिंग की जाती है उससे कोई भी बंदा उसमें कुछ भी यार तब्दील नहीं कर सकता यानी कि इसका प्लान भी कोई बंदा तब्दील नहीं कर सकता और दूसरी चीज सर सुनिएगा कि मिस्टर लाडो ने जब एक कंपनी में काम किया तो कंपनी हो गई बंद जब कंपनी बंद हो गई तो मिस्टर लाडो ने सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हो रहा है मैं कोई ऐसा सिस्टम लेके आऊं जो कि लाइफ टाइम चले जो कि लाइफ टाइम चले और लोग उससे लाखों कमाएं और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ना खराब हो तो सर उन्होंने फोरसेज को क्रिएट किया सर क्रिएट करने के बाद छोड़ा नहीं इसने उसने छोड़ा नहीं उसने इसको ब्लॉक के ऊपर कोडिंग करवा दिया सर जब भी कोई चीज ब्लॉक चेन के ऊपर कोडिंग हो जाती है बंद करना हैक करना किसी के भी कि वो बंद कहां से होती है लेकिन यकीन करें सर ब्लॉक चेन क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए ब्लॉक चेन का आपको पता चलेगा सर कि ब्लॉक चेन क्या है सर ब्लॉक चेन के ऊपर दुनिया में तकरीबन फाइव परसेंट सिस्टम है जो कि ब्लॉक चेन के ऊपर कोडिंग किए गए हैं लेकिन फाइव परसेंट में से मैं आपको चार पांच शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा आपने सर गूगल यूज की होगी सर आप यूट्यूब भी यूज करते होंगे आप यूट्यूब के अलावा आप फेसबुक भी यूज करते होंगे सर आपने कभी देखा है कि यूट्यूब दो दिन के लिए बंद है सर आपने कभी सुना है कि यूट्यूब आज गूगल दो दिन के लिए बंद है सर फेसबुक कभी दो दिन के लिए बंद है मैं तो जब से तकरीबन मेरी उन्नीस साल है जो गई है मैंने उन्नीस साल के अंदर कभी नहीं देखा कि आज गूगल बंद है फेसबुक बंद है आज यूट्यूब बंद है मैंने कभी नहीं सुना सर देखिएगा ये सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकते रीजन रीजन सर एक है ये ब्लॉक के ऊपर कोडिंग किए होते हैं तो सर हमारा सिस्टम भी ब्लॉक के ऊपर कोडिंग किया गया हुआ सिस्टम है इसीलिए मैं भी इस पे वर्क कर रहा हूँ और अलहमदुल्ला आज एक बहुत अच्छी पोजिशन पे पहुंचा हूँ सिस्टम ने बंदों को कोई पांच दस साल के बाद अमीर नहीं किया सिस्टम ने लोगों को कोई दस दस साल का बीस बीस साल का धोखा नहीं दिया सर इस पे पहले दिन की बात की जाए तो मैंने अलहमद इस सिस्टम को ज्वाइन करके पहले दिन के अंदर तीस हजार कमाया था सर ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पहले दिन बंदे को इतना दे देता है कि बंदे को पूरी उन्तीस दिन काम करने की जरूरत नहीं पर वो उनतीस दिन काम करता है फिर तो उसकी लाइफ सेट हो गई यकीन करें कि थोड़े दिन पहले की बात है मैं आपको गाइड करता हूँ थोड़े दिन पहले की बात है तो मैं ऐसे फेसबुक पे एक लड़के से बात कर रहा था मैंने फोर्थ सेज उस टाइम नहीं ज्वाइन की थी मैंने जब बात कर रहा मैंने कहा सर क्या हाल है ठीक है मैंने कहा सर फोर्थ सेज कैसा सिस्टम है कसम खुदा की मुझे कहता है कि फोर्थ सेज एक ऐसा सिस्टम है अगर आप इस पे तीन महीने काम कर लेते हैं तो आपकी पुश्तें बैठ के खाएंगी तीन महीने कहता मेहनत कर लेते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बैठ के खाएंगी मैंने कहा ना करो मैंने कहा ना करो मैं खुद हैरान रह गया चले आपको दिखा देता हूं मेरे पास यहाँ पे पड़ी होगी चैट एक वो क्या कह रहा है बेफिक्र होके ज्वाइन करो तीन महीने काम कर लेते हो तो आपकी नस्लें तक बैठ के खाएंगी सर एक बात आप गैस करें मुझे कोई ऊपर से बंदा आके बोल रहा है कि आप इससे ज्वाइन करें आपकी पूछते बैठ के खाएंगी तो सर क्या ऐसा सिस्टम कहीं और मिल सकता है अपनी ईमानदारी से बताइएगा नहीं ना मिल सकता सर आजकल आप इन कंपनियों में काम कर रहे थे पहले उन जगह पे काम कर रहे थे जहां पे आपकी मेहनत कोई और खा रहा है सर आप मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा कोई और उठा रहा है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सर अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो मेहनत कौन करता है एक महीना मेहनत कौन करता है आप करते हैं ना आपकी वजह से कसम से मैं कहता हूँ कि जो जिस बंदे के पास जॉब कर रहे हो ना उसको आपकी वजह से लाखों का प्रॉफिट होता है लेकिन वो आपको कितने देता है अपनी ईमानदारी से बताइएगा पचास हजार भी नहीं देता होगा सर पचास हजार भी नहीं देता लेकिन वो आपसे लाखों रुपया कमा रहा है मेहनत किसकी थी आपकी थी ना तो आप वहां पे टाइम अपना क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप माशाला से इंटेलिजेंट लोग हैं मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं लेकिन आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं तो देखे सर आप अगर किसी ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या कर रहे थे सर वो कंपनी के अंदर आप लोगों से सौ रुपए इन्वेस्ट करवाते थे तो उसमें से फोर्टी तकरीबन ट्वेंटी परसेंट चूपर ही ऑनर को जाता था सर उसमें एक मुसीबत होती है वो होता है ऑनर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक बंदे से लगवा दिया सौ रुपए सौ रुपए आपने लगवा दिया तो वो कहा जाएगा यहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ पे आपका अपलाइन आप बैठा है चालीस रुपए आपको आ गया चालीस रुपए आपके अपलाइन आप को आ गए बल्कि इतना तो नहीं ना बीस रुपए अपलाइन को बाकी चालीस रुपया चलेगा किसको चालीस रुपए सर चले जाएंगे अपलाइन को जो आपका अपलाइन होगा चालीस रुपया चले जाएंगे उसको लेकिन सर ये कैसा सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने एक बंदे से सौ रुपये लगवाना है वैसे सौ रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं है आजकल सौ रुपए से क्या आता है तो सौ रुपए के सौ रुपए ही आपको मिल जाएंगे इधर सौ रुपए के सौ रुपए ही आपको आ जाएंगे इसमें क्या है इसमें ये चीजें नहीं है जो दूसरी कंपनियों के अंदर होती है इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीजें नहीं है तो सर ऐसा सिस्टम आजकल नहीं मिलता आप इस चीज को समझ गए तो पैसे ही पैसे हैं ना समझे तो फिर आप पहले ही जैसे हैं मैं आपके सिस्ट्र, आपके सिस्टम के समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके तो से सुनिएगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं आप भी अपनी स्क्रीनों को टेढ़ा कर लें मैं भी अपनी स्क्रीन को टेढ़ा कर रहा हूं तो सर, क्या है? एक बस्ट पर काम कर रहा है सर बस्ट क्या है जिसकी वजह से लोग इसे, कर लोग, सर, इसे लाखों की तादाद से ज्वाइन कर रहे हैं सर बी का तो हर बंदे को पता होगा सर यहाँ पे काफी लोग होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं सर आपको पता होगा कि बी क्या है और बीयूएसडी कितना बड़ा अदारा है सर उसके साथ इसका कॉन्टैक्ट है आजकल क्या करते हैं लोग पाकिस्तान के दस रुपए पांच सौ लगवाए आठ सौ लगवाए आप अपना पैसे वेस्ट करते हैं वहां पे कंपनी भाग गई बंदा भाग गया आपके पैसे लेके आप रोने लग जाते हैं कि तो ऑनलाइन काम फेक है लेकिन आज जिस सिस्टम पे हम काम करेंगे आज जिस सिस्टम का मैं आपको प्लान दिखाऊंगा ये ऐसा सिस्टम नहीं है ये ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है जी ब्लॉक के ऊपर कोडिंग किया गया हुआ सिस्टम है कभी ना बंद होने वाला सिस्टम है तो सर मैं आपको सिर्फ आपके दस पंद्रह मिनट और लूंगा जिसके अंदर आपको इसका प्लान समझाऊंगा प्लान समझिएगा प्लान समझ गया तो बहुत ही ज्यादा आपको मैं कहता हूं कि आपको 90 परसेंट इसकी समझ आ गई yes. सर अब यहाँ पे आपने पहला काम क्या करना होता है वैसे आप यहाँ पे चार तरीकों के साथ अर्निंग कर सकते हैं चार तरीके कौन से हैं आपको यहाँ पे जिस बंदे के साथ आप जुड़ जाते हैं आप किसी भी बंदे के साथ जुड़ जाते हैं आपको उसकी तरफ से भी अर्निंग आती है आपको उस बंदे की टीम की तरफ से भी अर्निंग आती है मजे की चीज और आपको अपनी टीम की तरफ से भी अर्निंग आती है और आप खुद जो काम करते हैं उसकी तरफ से भी आपको अर्निंग आती है सर यकीन करें कि मैं आपको बताता हूँ कसम खुदा की एक लड़की है मेरी डायरेक्ट रेफर है वो अभी उसको पता ही नहीं उसने अपना अकाउंट ही नहीं ओपन किया और उसको मेरी तरफ से तक हजार चार सौ जा चुके थे सर उसने अपना अकाउंट ही नहीं ओपन किया और उसने आठ हजार चार सौ कमा लिए थे चल पहले, पहले ये दिखा दूं कि वाक्य चलें बाद में दिखाऊंगा मेरा फिलहाल आपको प्लान समझा दूं फिर बाद में आपको यही चीज दिखाऊंगा उसने ए, मेरी तरफ से आठ हजार चार सौ कमा लिए कैसे मजे का सिस्टम है यार कैसा मजे का सिस्टम है मैंने स्टेटस लगाए लगाए हुए थे शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे तो देखे सर इसमें अब आपने इन्वेस्टमेंट क्यों करनी होती है मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करना होता है मेन रीजन क्या है सर जब आप ज्वाइन करते हैं आपने यहाँ पे एक शॉप ओपन करनी होती है जैसे कि आप अपनी ऑफलाइन की ऑफलाइन जिंदगी के अंदर भी शॉप ओपन करें तो सर आपको किस किस चीज की जरूरत होती है अपनी ईमानदारी से बताइएगा नंबर वन आपको थोड़ा सा पहले एफर्ट करनी होती है है उसके जो भी लमारी वगैरह बनवानी हो आपको खुद धूप में जाना पड़ता है क्या कुछ करना पड़ता है दस पंद्रह लाख लगाना पड़ता है सफाई वगैरह करवानी पड़ती है या करनी पड़ती है उसके पंद्रह बीस लाख लगाने के बाद आपकी एक शॉप तैयार होती है जिससे आप एक महीने बाद कितना कमाते हैं पचास हजार एक महीने बाद आप पचास हजार कमाते हैं लेकिन सर जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं इसमें सिर्फ आपने छोटी सी अपनी दुकान ओपन करनी है छोटी सी दुकान ओपन करके शॉप ओपन करके आप एक एक महीने का एक एक लाख कमाएंगे वो भी घर बैठ के सिर्फ मोबाइल के ऊपर काम करके किसी बंदे के पास नहीं जाना किसी की मिन्नत नहीं करनी किसी को बोलना नहीं कि मुझे पैसे दो जो भी आपके पैसे होंगे आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे चले सर मेन बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा जब आपने ज्वाइन करना होता है आपने फाइव बी लगाने होते हैं थ्री के अंदर और फाइव बीवीएसडी आपने लगाने होते हैं एक्स फोर के अंदर सर ये आपको क्या फायदा देते हैं आपने ये दुकान ओपन कर ली ये आपको दुकान क्या फायदा देगी अब मैं बात ये करूंगा और यही इसकी मेन जो है जो आपको मीटिंग देने का मेन यही रीजन है और ये आप इसको समझ गया तो मजे ही मजे हैं सर आपने शॉप ओपन कर ली अब शॉप पे आपने काम कैसे करना है मैं आपको गाइड करता हूँ सर अगर आप ये ये लहदा लहदा काम करते हैं एक्स अपना काम करता है एक्स अपना काम करता है यानी कि हर बंदे का काम अलग है एक्स थ्री का भी ऐसे ही काम अलग है और एक्स फोर का भी काम अलग है मैं आपको दोनों अलग अलग करके समझाऊंगा कि इसका कैसे काम अलग है सर आप अपनी ईमानदारी से बताइएगा कि आपने एक्स थ्री के अंदर कितने पैसे लगाए थे सर आपने एक्स थ्री के अंदर कितने पैसे लगाए थे फाइव बी यू एस डी आपने टेन बी यू एस डी से ज्वाइन किया था ना फाइव आपने एक्स फोर के अंदर लगाए थे फाइव आपने एक्स थ्री के अंदर लगाए थे तो आप जब एक्स थ्री के अंदर आपने फाइव बी यू एस डी लगा दिए आपको क्या फायदा देता है इस चीज को सुनिएगा सर फाइव बी यूएसडी जब इसने के लगा दिए तो आप किसी को बंदे को भी ट्रेनिंग के अंदर ला के बिठाते हैं जब भी किसी बंदे को प्लान दिखाते हैं तो आपको उसके फाइव बी यूएसडी मिल जाते हैं सर फाइव बी यूएसडी के अगर पीके आर में बात करूं तो ये एक हजार से ऊपर बनते हैं सर आपने सिर्फ एक बंदे को ट्रेनिंग के अंदर ला के बिठाया बंदा आपको कहाँ से मिलेगा आपने मोहल्ले के अंदर लड़के नहीं ढूंढने अपने दोस्त नहीं ढूंढने लड़के मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेंगे कैसे काम करना है ये भी आपको मैं ट्रेनिंग देता हूं हमारी डेली ट्रेनिंग्स इस, इस, इस टॉपिक होती है कि भाई आपने काम कैसे करना है आपको सिर्फ ज्वाइन करवा के छोड़ा नहीं जाता आपकी फुल सपोर्ट की जाती है आपने सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग के, अंदर ला के बिठाना है ट्रेनिंग में ला के बिठाने के बाद प्लान मैंने दिखाना है प्लान मैंने दिखाना है वो खुद आपके रेफर्स से ज्वाइन करेगा सर देखिएगा कि जब आपने पहले बंदे को ट्रेनिंग के अंदर ला के बिठाया तो आपको कितने मिल गया फाइव बी जब आप दूसरे बंदे को ला के बिठाते हैं तो आपको मिल जाते हैं टेन बी पहले बंदे को बिठाया फाइव दूसरे बंदे को बिठाया टेन यानी कि सर एक बंदे को आप सीधी सी बात बताना कि एक बंदे से बात करने के लिए आपको कितनी देर लगेगी दस मिनट पंद्रह मिनट आधा घंटा चले आधा घंटा लगा लेता हूँ क्या आपने एक बंदे से बात की उसको आपने ए, मना लिया कि यार ट्रेनिंग के अंदर आना आपको इनशाला बहुत अच्छी चीजें गाइड की जाएंगी वो आधा घंटा आप उससे बात करते हैं आधा घंटा बात करने के बाद वो आपकी ट्रेनिंग में आके बैठ जाएगा उसके बाद आपसे आपके साथ ज्वाइन कर लेगा सर आधे घंटे के अंदर आप यहाँ पे एक हजार कमा सकते हैं सर आगे सुनते जाइएगा ये तो सिर्फ पहला आधा घंटा था ज्वाइन करने के बाद अगले एक घंटे दो घंटे की सुनिएगा कि आपको ये अगले दो तीन घंटे क्या फायदा देते हैं टेंशन नहीं लेनी फोर्स आज सिस्टम ही ऐसा है जो बंदा इसे सुन लेता है जिस सिस्टम ही इतना प्यारा है वो इसे ज्वाइन किए बगैर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने काफी सारे लोग देखे हैं लोग खुद आ रहे होते हैं कि भाई शहजादाई फोर्सेज क्या है मुझे ज्वाइन करना है मेरे पास आ रहे होते हैं सर शिजाद भाई क्या सिस्टम है मैंने ज्वाइन करना है मैं कहता हूं भाई नंबर कहाँ से लिया कहते नंबर यूट्यूब से लिया मैंने आपका नंबर ले लिया फेसबुक से ले लिया यकीन करें मुझे नहीं पता होता लेकिन वो खुद ही आके जुड़ रहे होते हैं सर ये सिस्टम इतना प्यारा है तो आप भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे क्योंकि आपको मैं जो प्लान समझा रहा हूँ इसको समझिएगा सर आपने पहले बंदे को मशवरा दिया फोर्सेज ज्वाइन करने का वो ट्रेनिंग में आ जाता है आपको फाइव बी यूर्सिटी मिले दूसरे को मशा दिया आपको यूर्स मिले आपको टेन बी यूर्स मिल गया फाइव बस आपको वो मिल गया जो आपने लगाए थे आपको अगेन मिल गया दो हजार से ऊपर कमा लिया दो हजार ही लगा लेते हैं आपने दो हजार कमा लिया सिर्फ एक घंटे के अंदर सर एक घंटे के अंदर दो हजार रुपए आपको कौन सा सिस्टम देता है अपनी ईमानदारी से बताइएगा कौन सा सिस्टम देता है कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है सर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको पहले ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग सुनने के बाद जो सिस्टम आपको सिर्फ ये घंटे का दो हजार रुपया देता है उसका नाम है फोर्सेज सर अब बताऊंगा कि जब आप तीसरे मेंबर को ये प्लान दिखा मेंबर को प्लान दिखाने का आपको क्या फायदा होता है तीसरे मेंबर को प्लान दिखाने का इधर से आपका ये स्लाट फिल होता है देखिएगा जब आप एक मेंबर को प्लान दिखाते हैं ना आपके इधर वाले भी स्लॉट फिल होते हैं और आपके इधर वाले भी स्लॉट फिल होते हैं ठीक है दोनों हमारे स्लॉट फिल होते हैं जब आपने इधर बंदा ज्वाइन किया यानी कि इधर जब आप एक मेंबर को, को ले दो मेंबर को लेके आए थे इधर ही फिल हो गया इधर से ये फिल हो गया था ठीक है जस्ट वन मिनट इधर से ये फिल हुआ था और इधर से ये फिल हो गया था, था. यानी कि ये जो दो स्लाट है के, ये क्या वर्किंग करते हैं मैं आपको गाइड करता हूं सर एक्स फोर के जो दो स्लाट है ये वर्किंग करते हैं ये अपलाइन में अर्निंग देते हैं डाउनलाइन में अर्निंग देते हैं क्रॉस लाइन में अर्निंग देते हैं यानी हर बंदे के ऐसे ही स्लाट होते हैं फोर्थ स्टेज के अंदर और ये स्लाट वर्किंग क्या करते हैं ये अपलाइन यानी कि जिस बंदे ने हमें ज्वाइन करवाई उसको भी अर्निंग देते हैं और ये उसकी टीम को भी अर्निंग देते हैं और सर ये डाउनलाइन को भी अर्निंग देते हैं ऐसे ही आ, जिस बंदे के साथ आप जुड़ेंगे उसकी टीम से भी आपको अर्निंग आएगी उसके थ्रू भी आपको अर्निंग आएगी जो आप टीम बनाएंगे उसके थ्रू भी आपको अर्निंग आएगी ये दो स्लाट ये वर्किंग करते हैं ठीक है तो देखिएगा इसका आपको फायदा होता रहेगा अगर आप ज्वाइन करके छोड़ भी देते हैं तो इसका आपको फायदा होता रहेगा इसको ज्वाइन करके लाजमी जाना क्योंकि सर सिस्टम बहुत प्यारा है सिस्टम बहुत प्यारा है विदाउट रेफर भी आपको अर्निंग देता है वर्क करके भी आपको अर्निंग देता है तीसरी चीज सर सुनिएगा तीसरी चीज बहुत ही मजे की सुनने वाली आपको मिलेगी कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये स्लाट हो गया था रिसाइकल ये स्लाट हो गया था रिसाइकल और इधर से आपका ये स्लाट हुआ था इधर से रिसाइकल और इधर से आपका ये वाला स्लाट फिल हुआ था सर इधर राइट साइड वाले ने आपको फाइव बी यूएसडी फिर दे दिए थे ये रिसाइकल होके खाली हो जाएगा दोबारा खाली हो जाएगा ये अगेन स्टार्ट हो जाएगा और इधर से आपको फाइव बी यूएसडी एक्सपोर्ट ने अगेन दे दिए सर आपने तीन मेंबर को प्लान दिखाया था डेढ़ घंटे के अंदर आपने कितना कमा लिया सर आपने डेढ़ घंटे के अंदर यहाँ से तीन हजार कमा लिया या नहीं कमा लिया सर डेढ़ घंटे के अंदर आपने तीन हजार कमाया लेकिन अगले डेढ़ घंटे की कमाल देखिएगा सर उसके बाद आप दोबारा अगेन वैसे ही काम करते हैं और ये आपका स्लॉट खाली हो गया था ठीक है इधर से अगेन आपने चौथे बंदे को प्लान दिखाया इधर से ये फिल होगा इधर से आपने चौथे बंदे को प्लान दिखाया इधर से ये वाला फिल हो जाएगा सर इधर से ये वाला फिल हुआ लेफ्ट वाला राइट वाला तो आपको टेन के टेन बीजूएसडी मिल जाएंगे सर आपने एक बंदे से टेन बीजूएसडी इन्वेस्टमेंट करवाई टेन के टेन आपको मिल जाएंगे हंड्रेड परसेंट आपको मिल जाएगा सर टेन बीजूएसडी की अगर पी के आर में बात करूं तो ये बनते हैं दो हजार सर पहले आपने कितने कमाए थे पहले आपने कमाए थे तीन हजार फिर आपको मिल गया दो हजार दो घंटे काम किया आपने कितने कमा लिए दो घंटे काम करके सर आपने पांच हजार कमा लिया पांच हजार आपने कमा लिया सिर्फ कितनी देर काम करके दो हॉर्स काम करके पांच हजार कमा लिया सर कौन सा सिस्टम है जरा बताइएगा मैंशन करिएगा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्त समझ जाओ कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको दो घंटे काम करने का पांच देगा आगे सुनिएगा आगे सुनिएगा जब आपका ये वाला स्लॉट फिल हो गया फिर जब आप किसी को ए, ट्रेनिंग के अंदर लाके बिठाते हैं आपका इधर से ये वाला स्लॉट फिल होगा और इधर से आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा सर अगेन आपको दो हजार मिल जाएंगे सर इधर एक्स फोर भी आपको, एक दे एक भी आपको एक हजार दे देगा एक्स थ्री भी आपको एक हजार दे देगा और आपको कितने मिल जाएंगे आपको सर मिल जाएंगे दो हजार अगेन यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा टाइम आपको दे देता हूँ आपकी मान लेता हूँ आपने तीन घंटे काम किया आपने तीन हार्स काम किया तीन हार्स के बाद आपने कितना कमा लिया आपने कितने बंदों को प्लान दिखाया था आपने सिर्फ पांच बंदों को प्लान दिखाया था पांच बंदों का आपको कितना मिला सात हजार रुपये सर सात हजार रुपये मिला पांच घंटे पांच घंटे के अंदर पांच बंदों को सॉरी तीन घंटे के अंदर पांच बंदों को प्लान दिखा के सर ऐसा सिस्टम कभी नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा कुछ लोग हंस रहे होंगे मेरी बातों पर कि ऐसे ये बच्चों का खेल तो है नहीं बंदों को प्लान दिखाना सर टेंशन ही ना ले टेंशन ही ना ले वॉरियर टीम की ट्रेनिंग ही इतनी अच्छी होती है कि आप सुन के आप कहेंगे कि यार मैंने काम तो करना है तो इस बंदे के साथ करना है वरना किसी के साथ भी नहीं करना सर ये ट्रेनिंग ही इतनी अच्छी और इतनी आपके लिए जरूरी हो जाएगी कि आप एक तो आपको ट्रेनिंग सुनने में मजा आएगा उम्मीद करता हूँ काफी लोग ट्रेनिंग के अंदर होंगे अभी देख लेते हैं कि मजा आ रहा है या नहीं लोगों को देखिए सर ये सिस्टम ही इतना अच्छा और इतना प्यारा है कि लोग इसको खुद भाग भाग के ज्वाइन करते हैं खुद लोग इसे भाग भाग के ज्वाइन करते हैं टेंशन नहीं लेनी आपको हर एक चीज यहाँ पे गाइड की जाती है और हर चीज के बारे में आपको लाइव प्रूफ दिखाया जाता है कि कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं होती कि आपको बोला क्या जाए और आपको आगे दिखाया क्या जाए सर अब मैं आता हूं मेन मुद्दे की तरफ आता हूँ अपने मेन अकाउंट की तरफ कि मैंने आज की क्या अर्निंग की है मैंने आज की क्या अर्निंग की है और मैंने टोटल अर्निंग क्या की है आपके सामने अपना अकाउंट ओपन करूंगा अपना अकाउंट ओपन करूंगा किसी का अकाउंट नहीं आपको ओपन करके दिखाऊंगा नाम मेरा शहजाद है आपको मेरा पता होगा काफी देर से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूँ लेकिन फोर्थ को मैंने अभी ज्वाइन किया है ठीक है तो ये आप अलहमदिल्ला पहले नंबर पे तो आज की अर्निंग चेक करें मेरी सिर्फ आज की अर्निंग की बात की जाए तो 115 सौ पंद्रह बी यू एस बी है अगर इसका मैं पीकर में तो चौबीस हजार बनता है चौबीस हजार बनता है सर सिर्फ आज की अर्निंग मैंने चौबीस हजार पे की है लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं सर चौबीस हजार सिर्फ आज की अर्निंग अल्लाह के बंदे कौन सा ऐसा सिस्टम है मैं तो आपको सिर्फ सात हजार का बोल रहा था मैंने तो यकीन करें इतना ज्यादा काम भी नहीं किया फिर भी अलहमद इतने ज्यादा पैसे कमा लिए देखिएगा देखिएगा ये सिस्टम इतना अच्छा और इतना आपके लिए जरूरी है अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप चौबीस नहीं मैं कहता हूँ अभी मैं आपको कुछ लोगों की आईडी डाल के दिखाऊंगा वो चौबीस हजार नहीं वो चौबीस चौबीस लाख कमा रहे हैं मैं रश करता हूं उन पे कि यार ये एक एक दिन का चौबीस चौबीस लाख कहाँ से कमा रहे हैं मुझे भी कमाना है वो कहते हैं ना इंसान बहुत बेसबरा होता है जितने मिलते जाए बंदा कहता है यार और मिले और मिले मैं वो इंसान हूँ जिस जिसने कभी दस हजार रुपये वाली जॉब नहीं की थी तो आज अलहमदुल्ला मैं एक एक दिन का चौबीस चौबीस हजार यार कितनी कमाल की बात है मगर अपने बैकग्राउंड को देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ शुक्र है अल्लाह मैं उन जॉब से निकल आया मैं उन कंपनियों से निकल आया जिसके अंदर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना हूं जिसमें हम लाखों कमा सकते हैं अब एक और चीज आपको देखने को मिलेगी वो क्या है सर जी इस मेरी टाइम चेक करें कि मैंने इस सिस्टम को कब ज्वाइन किया था मेरा टाइम चेक करें ग्यारह तारीख को मैंने ज्वाइन किया था और ऊपर मेरी नीचे चेक करें कि मेरी टोटल अर्निंग क्या हो गई है मेरी टोटल अर्निंग सर मैं अगर टोटल अर्निंग की बात करूं तो मेरी टोटल अर्निंग यहाँ पे तीन लाख को क्रॉस कर चुकी है मैंने सिर्फ ही एक महीने के अंदर यहाँ पे तीन लाख से ऊपर अर्निंग कर ली है तीन लाख से ऊपर अर्निंग कर ली है सिर्फ एक महीने के अंदर मैं कोई दो चार साल की बात नहीं कर रहा सिर्फ एक महीने की बात कर रहा हूँ और मैंने अलहमदुल्ला बहुत ही अच्छी अर्निंग की पीछे वजह क्या थी पीछे वजह सर यही थी क्योंकि ये सिस्टम बहुत प्यारा है मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ सिस्टम बहुत प्यारा है क्योंकि मेरा दिल करता है कि यार मैं उस बंदे को सलूट पेश करूं जिस बंदे ने ये सिस्टम को क्रिएट किया था सर मैंने भी डर के पैसे लगाए थे कि यार मेरे पैसे जाया ना हो जाए लेकिन आज आपके सामने है कि मेरे पैसे कितने जाया हुए मुझे आज एक एक दिन का मिल रहा है सर मुझे आज एक एक दिन का एक सौ मिल रहा है आज मैं एक एक दिन के अंदर तीस तीस चालीस चालीस हजार कमा रहा हूँ ऐसा सिस्टम मैंने दिन को ट्रेनिंग दी थी दिन को बताया था कुछ लोग दिन वाले भी होंगे मेरी दिन को अर्निंग कितनी थी अपनी ईमानदारी से बताइएगा शायद दस या हजार थी सर मेरी तीन बजे अर्निंग दस या पंद्रह हजार थी और अभी मैं कमा चुका हूँ टोटल चौबीस हजार सर दस हजार पे इंक्रीज हुआ मेरी के ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा चले आप मिलते हैं यहाँ पे कुछ उन लोगों से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है इस सिस्टम को और उन्होंने क्या अर्निंग की है कुछ लोगों से बात करेंगे टीम वॉरियर जी सर मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ माइक अपनी अर्निंग बताइएगा कि आपने यहाँ से क्या अर्न किया है अस्सलाम वालेकुम सर उम्मीद करता हूँ कि आप खेर होंगे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह से सर ग्रेट ट्रेनिंग रही कमाल की ट्रेनिंग थी हर एक चीज मुझे तो क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई है जब भी आपकी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ और आपकी बातें सुनता हूँ आपकी मोटिवेशन बहुत सर काम की होती है और आगे हमें बहुत सा फायदा होता है अब सर यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा अर्निंग की तो सर मेरी टोटल अर्निंग एक महीने के अंदर हो चुकी है नौ सौ बस्त जो की पाकिस्तानी करेंसी के बनते हैं एक लाख बानवे इक्यानवे हजार एक लाख इक्यानवे हजार सर आप मेरी आईडी लगा के दिखा दे लाइव ताकि तमाम मेंबर्स को क्लियर हो जाए कि लाइव अर्निंग यहाँ पे आपको हर हर बंदे की आईडी डाल-डाल के दिखाई जा रही है देखें मेंबर्स एट द एंड मैं भी यही कहूंगा कि आप लोगों को जिस बंदे ने इस मीटिंग का लिंक दिया है उसके साथ जुड़ो ज्वाइन करो और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनो जी सर 37 आईडी 97 339611 6611 आप देख सकते हैं चालीस बस्त विदाउट एनी वर्क विदाउट एनी एफर्ट मैं बिजी था जिस वजह से इनकम मैंने इतनी कर ली और सोचे जिस दिन मैं काम करूंगा तो उस दिन मेरी कितनी इनकम हो सकती है ये सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म की पावर का ये प्लेटफॉर्म एक वाहद प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइज है और इसने अपने डिसेंट्रलाइज होने का सबूत हर उस बंदे को हर उस इंसान को दिया है चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो हर उस बंदे को उसने सबूत दिया है कि यार आप एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ो जो आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर दे सकता है मैं आपसे क्या कहूंगा मेरे भाई मेरी बहन आप जाओ अपने जिस भी, जिस भी भी आपका मेंबर है जो भी आपका अपलाइन है जिसने आपको लिंक दिया था मीटिंग के लिए जिसने आपको बोला था कि मेरे भाई एक दफा मीटिंग ज्वाइन कर ले एक दफा आ जा समझ ले काम को उस बंदे के पास जाओ उससे ईजी पैसा नंबर मांगो बगैर सवाल के चुपचाप से उसको सत्ताईस रुपए जमा करवा दो और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाओ लिटरली जब आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनोगे ना मुझे खुशी होगी सर शहजाद को खुशी होगी और आपको कामयाब बनाना हमारा काम है हम हमारा काम है आपको कामयाबी की बुलंदी तक ले जाना सिर्फ आप ज्वाइन करो जब तक आप इस समंदर में कूदोगे नहीं तब तक आप इस समंदर का मजा नहीं ले पाओगे luck, जी सर, सर माशा आपने काफी अच्छी अर्निंग कर ली है जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है तो माशाल्लाह सर हर बंदा डरता है जब स्टार्ट करता है हर बंदे को एक डर होता है खौफ होता है कि यार मुझे पता नहीं यहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन सर मैंने अभी एक एक लीडर का रिव्यू दिया है यहाँ पे लीडर कुछ बिजी होते हैं जो कि मीटिंग को नहीं ज्वाइन कर सकते तो इसीलिए मैं कुछ और लीडर से पूछता हूँ अगर कोई और लीडर अवेलेबल है, है यहाँ पे सर आमिर खान बैठे हैं सर आमिर खान मैं आपको अनम्यूट का कमान भेजा है अपना अनम्यूट करके माइक बताइएगा कि आपने भी कुछ यहाँ से कमाया है या बस आपने सताईस लगा के जाया कर दिया सर अगर आप फ्री हैं तो जरूर बताइएगा आपने कुछ कमाया या सौ जया किया है जी सर अगर आप अवेलेबल हैं तो थोड़ा सा अपना रिव्यू दीजिएगा जी मैम अभी जी सर मैंने जी सर जी जी बोलिएगा जी सर तीन बजे भी मैंने कुछ मेंबरों ने अपना बताया था कि बहुत अच्छी अर्निंग आ रही है इससे तो आप मेरी आईडी डाल के दिखा करें उसके बाद मैंने वर्क नहीं किया तो थोड़े फैमिली इशू चल रहे थे आपने आईडी डाल के दिखा दे माशाल्लाह टीम की, एक तरफ की तरफ से अपलाइन की तरफ से कुछ नहीं करती है यहाँ से जी सर अपनी आईडी नंबर बताइएगा जरा फोर डबल ज़ीर माशाल्लाह सर क्या बात है आपकी तो तो जी सर आज की सर की अगर अर्निंग चेक की जाए तो सर ने आज सिर्फ ही पंद्रह बस कमाए हैं पंद्रह बस की अगर मैं पीके में बात करूं तो सर आज भी तीन हजार कमा चुके हैं सिर्फ एक महीना पहले ज्वाइन किया था और इन्होंने भी तीन हजार सिर्फ आज का कमाया है चार सौ बजट ये टोटल कमा चुके हैं अस्सी हजार तकरीबन अस्सी से ऊपर कमा चुके हैं टोटल माशाल्लाह सर आपकी तो मैं क्या ही बात है कि आपने पहले नंबर पे इतना टाइम दिया थैंक यू सो मच और आपने इतनी अर्निंग कैसे कर ली मुझे तो खुद को नहीं समझ आ रहा कि आपने इतना अच्छा और आपने इतनी अच्छी अर्निंग कितना अच्छा वर्क किया माशाल्लाह और कामयाब करे सर क्या आपको भी डर लगा था सताईस सौ लगाते हुए जी सर बताइएगा डर तो फिर लगता है लेकिन

जी शुक्र अल्लाह का तो मेरी आईडी लगा के आप चेक कर लें जी 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 मैम अपनी अर्निंग बताइएगा कि आप सॉरी अपनी आईडी सॉरी बताइएगा कि आपने आईडी नंबर क्या है आपके जी थ्री नाइन थ्री नाइन नाइन एट नाइन एट सेवन जीरो माशाल्लाह मैम देखें सर एक लड़की हो गए एक लड़की हो गए माशाल्लाह आज की अर्निंग की बात की जाए तो 35 बी यू एस डी है सर 35 बी यू एस डी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो तकरीबन ये सात हजार बनता है मैम ने सिर्फ आज की अर्निंग जो की है सात हजार रुपये कर ली है सर सात हजार रुपये मायने रखता है कुछ सर ये सताईस सौ रुपया लगा के गलती की थी जिसकी वजह से आज मैम ने एक दिन का सात हजार कमाया है मैं आपको एक बात कह रहा था कि वॉरियर टीम के अंदर कोई भी बैठा ऐसा बंदा नहीं है जिसकी अर्निंग आज जीरो हो सर हर बंदा यहाँ से लाखों कमा रहा है यानी देखें आप अभी कुछ ही देर पहले की बात है कि वॉरियर वॉरियर टीम टीम ने ज्वाइन किया है इस को टीम का कुछ ही देर पहले नाम रखा गया है तो सर माशाल्लाह मैम की अगर टोटल अर्निंग की मैं बात करूं तो तकरीबन ये पचास हजार बनते हैं सर मैम ने टोटल अर्निंग यहाँ पे पचास हजार रुपए कर ली है दो सौ अगर आप इसे दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे

तो सर देखें आने वाला जो जमाना है बहुत ही आगे चल रहा है आगे ये जॉब्स नहीं रह जाएंगी मेरे भाई आगे ये जो आपके मालिक हैं आज तो आपको बीस हजार रुपये रख रहे हैं लेकिन आगे वाले आने वाले जमाने में आपको ये बीस हजार भी नहीं देंगे तो सर जिंदगी को अपनी को सीरियस लें किसी अच्छी जगह पे अपनी जिंदगी का अपना टैलेंट अच्छी जगह पे खर्च करें ताकि उस टैलेंट का आपको फायदा भी हो तो मेरे दोस्त आज समझ जाओ फायदा है ना समझे तो नुकसान ही नुकसान है तो जी थैंक यू मैम कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें दिया थैंक यू सो मच मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना बहुत है और सर उस बंदे के साथ लाजमी जाके जुड़िएगा जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है वॉरियर टीम का आप भी हिस्सा बन जाए और इनशाला जो कल ट्रेनिंग होगी या रात को नौ दस बजे होगी बीस पे आप उसमें अगर आए तो आप ज्वाइन होकर आइएगा आप ज्वाइन होकर आइएगा कि सर मैंने भी ज्वाइन अभी कर लिया है आप ज्वाइन होके आइएगा लाजमी आपको उसमें मैं गाइड करूंगा कि आपने नेटवर्क कैसे बनाना है इनशाला आपको ए टू जेड गाइड किया जाएगा कि आपने नेटवर्क कैसे बनाना है लोगों को कहा से लेके आना है लोगों को प्लान कैसे दिखाना है ये भी मैं आपको गाइड करूंगा टेंशन नहीं लेनी आप भी मेरे भाई हो दोस्त हो बहने हैं यहाँ पे मेरी आपको भी इनशाला लाखों कमाने के काबिल बना दूंगा जो बंदा खुद लाखों कमा रहा है क्या आपको लाखों कमाने के काबिल नहीं बनाएगा बना देगा समझा करें बात को जब मैं आपको ज्वाइन करवाने से पहले गाइड कर रहा हूँ तो आप खुद सोचेंगे ज्वाइन करवाने के बाद आपको कितना गाइड करूंगा तो जी ऑल मेंबर्स अगर फिर भी मेरी कोई आप लोगों को बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी बाकी मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही था इनशाला नेक्स्ट मीटिंग हुई तो उसमें जरूर मिलेंगे आपसे